मुझे लगभग एक साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। सर्जरी के कुछ ही घंटे बाद मैं चल पी रहा हूँ और खाना अभी मैंने लिक्विड लिया है, कल भी लिक्विड ले आया था। ये दो दिनों में मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ, अच्छा सा खाना पीना खाया, घुमा फिरा और अब मैं गाँव जा रहा हूँ। कोई दवाई भी नहीं ले रहा हूँ और कोई जो तकलीफ था जो एसिड ऊपर कर आ रहा था अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। मेरा नाम ज्ञानेश्वर नागरे है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, अभी कल ही यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो मुझे लगभग एक साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत सारे मेडिसिन खा कर भी अभी उसमें कुछ राहत नहीं मिल रही थी। तो कल डॉक्टर चिराग ठक्कर से यहाँ से मुझे PS मैनोमेट्री और 24 आवर का जो मैनो टेस्ट है वो करने के लिए बोला है। अभी ये लगा लिया हूँ लेकिन अभी इससे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, मेरा नाम ज्ञानेश्वर नागरे है, मैं महाराष्ट्र बुलढाणा से आया हूँ। लास्ट टाइम आया था तो 24 आवर PH इम्पीडेंस टेस्ट कराया था, तो उसमें एसिड ऊपर की ओर आ रहा था। तो डॉक्टर चिराग ठक्कर ने ऐसा कहा था कि सर्जरी करो लेकिन अच्छा रहेगा, मेडिकेशन से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहेगा, वो आपको सालों साल खाना ही पड़ेगा। तो इस बार आया हूँ, कल मेरा सर्जरी हुआ है, सर्जरी के कुछ ही घंटे बाद मैं चल पी रहा हूँ और खाना अभी मैंने लिक्विड लिया है, कल भी लिक्विड ले आया था। थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा धीरे धीरे चबाना पड़ता है, धीरे धीरे खाना पड़ता है, लेकिन आज मुझे अच्छी राहत मिल गई है और सब कुछ अभी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम ज्ञानेश्वर नागरे है, दो दिन पहले मेरा सर्जरी हुआ था और उसके बाद मैं अभी अच्छे से फील कर रहा हूँ, अच्छे से खा पी रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है और घूम फिर भी रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर नागरे है, अब एक साल पहले मेरा GERD का सर्जरी हुआ था, अभी आज डॉक्टर ने इसके लिए कंसल्टेशन के लिए बुलाया था, तो अभी आज कंसल्टेशन हुआ है तो अभी मैं अच्छे से खा पी रहा हूँ और कोई दवाई भी नहीं ले रहा हूँ। कोई जो तकलीफ था जो एसिड ऊपर की ओर आ रहा था अभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है और अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं दिमाग में भी नहीं है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम था ऐसा, वही वो पुरानी यादें अब वो भूल गया।